देखो सामने कौन आ रहा कौन है लागे नाम पे दे दे गंदे नाले में पड़ी हुई दमड़ी दांतों से उठाने वाला परले दर्जे का कंजूस मक्खी चूस मनहूस जिसने 12 बरस में मुझे एक दिरहम भी खैरात नहीं दिया नई पुरानी सब दुआएं दे डाले लेकिन दमड़ी दिनार देना तो दरकनार कमबख्त ने कभी दिनार के दीदार तक नहीं कराए लेकिन आज फकीर किस लकीर से आगे नहीं जाने दूंगा जो की तरह चिमट जाऊंगा लाल हो या काला खून पीकर ही छोड़ूंगा यावीर दादा का बोल दादा सून का मुंह काला रोटी के बदले पोटी दूंगा और पोटी के बदले पकड़ा दिन दहाड़े लुटा रहा हूँ लूट लो मैं कहता हूँ लूट लो तेरे किस मनहूस का सामना हो गया सुबह सुबह हम मनहूस के कहने का बुरा नहीं मानते सरकार आज फकीर को मौज आ गई है ले जाओ ये तिलिस्म ले जाओ ये ताबीज ये झंडा ले जाओ जहाँ जाओगे फतेह ही फतेह हलवार चलाओगे तो मुठ हाथ में जाएगी जेब में रखते ही तिजोरी खाली हो जाएगी आंखों से छूते ही हुर्दी माशूक काली हो जाए अबे क्या बकता है ठीक मांगता है तो दुआ देता हुजूर आधी रात के खाब की ताबीर मस्त फकीर की तकरीर पानी में इंसान की तस्वीर उल्टी ही नजर आती है एक बार ये गंडा बांध कर तो देखिए और फिर देखिए हुजूर पतंग कट कर डोर हाथ में ना रह जाए तो मुझ पर लानत भेजिएगा काहे को बदन से जब टकरा आता है तो उससे पसीने की बू आती है भीख मंगा रात देखी धूल रास्ते की धूल का बच्चा अबे तेरे लिए हम रास्ते की धूल है मगर इस धूल के लिए हम अपने वक्त शहनशाह शहनशाह एक ताज पहनता है हम पहनते हैं तो हमारे दिन के ताज का नाम है सूरज और रात के ताज का नाम है चांद आओ मेरी रियाया आओ ये देखो पत्थर का सीना चीर कर आग निकाली है उस कंजूस की जेब से थैली उड़ा दी है अब हो गई खिलाफत की उस्ताद धंधे के कसम जन्नत से 40 मील आगे जाओगे उस्ताद मांगो आज क्या मांगते हो अरे तेरे पास क्या है जो मुझे देगा लो अपना अपना हिस्सा लो लो
बधाई थी खीर हो गया दलिया, जर की जगह पत्थर, मक्कार धोखेबाज। मगर उस्ताद मौत की भी तो एक दिन मौत है, यानी कि चोर के घर मोर। मस्कर अंदर जाओ, ये थैली लौटा दो, ईमानदारी की यही आवाज है। हम चोर हैं, बेईमान नहीं। तौबा करो जी, चोरी से ईमान में क्या फर्क पड़ता है। अमीर अमीर बात धोखेबाज है ये है। अमीर अमीर आपकी ये थैली गिर गई थी, मैं उठा लाया। क्यों अंगूर खट्टे निकले? सिर खुदा, जब मैं इस चोर बाजार से गुजरता हूँ तो दो आंखें रखता हूँ और दो पीछे। सिर बेटा, खांसी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। मैं नकली माल यहाँ रखता हूँ और असली माल यहाँ। ये देखो क्यों उठक के बदमाश। हो गई शराफत की, चिड़िया के प्राण, कयामत में खुदा को मुंह नहीं दिखाना। भोले भाले शरीफों को धोखा देते में शर्म नहीं आती। मैं तो तेरे 572 के चौके से तय ही समझ गया था कि तेरे खाने के दांत और है और दिखाने के और। मैं इस बदमाश क्यों पे किसको गर्मी दे रहा है? मैं तो हुजूर के बाल बच्चों की दुआएं दे रहा था। कोतवाल साहब, आप इधर कैसे आ गए? बदमाश को छोटा शैतान सामने आ गया। कहा मैंने तो हल किया, एक फकीर हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, दिन को फकीरी और रात को चोरी, बताते रफ्तार कहाँ है? उस्ताद तो अपना बंदा आ गया है। हमारे पास इतना बड़ा काम है जो तेरा उस्ताद ही कर सकता है। मिलेगा क्या तुमका? इनाम, बहुत बड़ा इनाम। हद हो गई शराफत की, लेके पूछू? आइए आइए। कोतवाल साहब आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलो। अबे अबे डरते क्यों हो? मैं जो बैठा हूँ यहाँ तुम्हारा बादशाह, आने दो उसे मेरे शाही दरबार में। यहाँ अमीर फकीर शरीफ रजीम सभी तो फरियाद देकर आते हैं। आइए सरकार, यही है हमारे मखदूब, हमारे आका, हमारे मालिक, यानी कि हमारे सरदार। अच्छा, गिरफ्तार कर लो उसे, बना दो उसे शाही दरबार। आप क्या कर रहे हैं कोतवाल साहब? आपने तो फरमाया था कि सरकार के फायदे का काम है, बहुत बड़ा इनाम है। क्या यही आपकी जुबान है? बहुत हो गई शराफत की है। बहुत जल्द दावत कबूल करके लौट आएंगे, तुम अपना अपना धंधा जारी रखना है। कोतवाल साहब एक बात पूछूं? क्या है? ताना, दुल्हन गोरी है या काली? ले आओ तुम्हारे सरकार, तुम मार दो, हमें इज्जत के साथ ले दो। हम फकीर सही मगर हैं अपने बच्चे बात क्या है? चलो अगर मैं खुद जाता हूँ तब समझ लो। हो गई शराफत की। मेरे वाला, आपके हुक्म के बमूजब वो आदमी हाजिर है जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जो दिन का फकीर और रात का अमीर है, और ये सारे शहर में यूसुफ उस्ताद के नाम से मशहूर है। मैंने तुम्हारी बहुत शोहरत सुनी है, हुजूर की जर्रा नवाजी है, वरना गुलाम किस काबिल है? मैं तुम्हारे फन का कमाल देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ऐसी खिदमत लेना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम कर सकते हो। बहुत बड़ी खिदमत का इनाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा इनाम होगा, 10,000 सुर्ख दिनार। 10,000 सुर्ख दिनार? तो खुदा आपको खुश रखे, इतना बड़ा इनाम पाने के लालच में तो मैं तो फलक फलक अबक तबक को बरक बरक को हरक कर सकता हूँ। इधर आओ, करीब आओ, बहुत करीब। हजूर, इतने बड़े काम के लिए अगर कुछ रकम चाहिए। ये लो 5,000 सुर्ख दिनार, काम पूरा होने के बाद इतने ही और मिलेंगे। हजूर, हजूर का इकबाल दूना हो, काम पूरा होगा और जरूर होगा।
पूरा हुआ लीजा। शाबाश, खुदा को यही मंजूर था, क्योंकि वक्त से पहले किसी की मौत नहीं आती। अब मौत के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। शायद शहजादे की मौत इसी बहाने लिखी थी। बजा फरमाते हैं आलीजा। आज से 6 महीने पहले, जबकि शेरकंद के मरहूम बादशाह मेरे बड़े भाई अरसलान का इंतकाल हुआ, और तुम सब ने मिलकर मुझे शहजादा मुराद का सरपरस्त और मुल्क का हाकिम आला मुकरर किया। उस वक्त एक ही बात रह रहकर मेरे दिल में खटकती थी, और मैंने और आपने मुझसे मदद मांगी, और तुमने मेरी हमदर्दी करते हुए मुझे ये नेक सलाह दी थी कि दिल में खटकने वाली इस छोटी सी फांस को मौत की चुटकी से निकाल कर थैंक देना चाहिए। और इसके लिए गुलाम ने अपनी खिदमात पेश कर दी, कांटा निकल गया। कल सुबह मैं अपनी आंखों में रंज गम के आंसू लिए हुए दूध पीते शहजादे मुराद की मौत का ऐलान कर दूंगा, और ये इजहार करूंगा कि शहजादे की बेवक्त मौत के सदमे ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं शेरकन की सलामती के लिए शाही ताज पहनकर मुल्क और काम की खिदमत करूं। कितनी शानदार मजबूरी है आलीजा, जिसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके सिले में कल तुम्हें भी वजीर आजम का ओहदा पेश किया जाएगा। शुक्रिया आलीजा। लेकिन उस चोरों के सरदार शहजादे के कातिल का क्या होगा? उसका इंतजाम हो चुका है आलीजा, कल सुबह तक वो भी शहजादे के पास पहुंचा दिया जाएगा। आफरीन। इस खुशी के मौके पर शाही अंगूठी अपनी उंगली में पहन कर महसूस करता हूँ
कि मैं शेरकंद का बादशाह हूँ। कैसा फूल सा बच्चा है अब्बा? एक दिन में ऐसे 10,000 फूल पैदा हो सकते हैं, लेकिन 10,000 अशरफियां नहीं। जी में आता है कि इसका गला घोंट ही दूंगा। कैसी बातें करते हो अब्बा, इतना खूबसूरत और प्यारा प्यारा बच्चा, अब इसे मार देंगे? नहीं अब्बा नहीं। एक मुसीबत गले पड़ गई है, समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो अब्बा, उसे क्या से देख रहा है? इसकी नाक, नाक नक्शा, होंठ, क्यों हमारी जमीना की तरह है? तू ठीक कहती है शकीला, वाकई इसका नाक नक्शा बिल्कुल हमारी जमीला से मिलता जुलता है। अगर मैं दुनिया से कहूं कि ये मेरा बेटा है तो लोग इसे मेरा बेटा ही समझेंगे। इस शहजादे ये आज से तो शहजादा मुराद नहीं बल्कि मेरा बेटा है सलीम। है? सलीम? मैं इसे शिमू कहकर पुकारूंगी। मेरा जमीला का भाई शिमू। शिमू? ओ शिमू। मुगली निशान? मुगली निशान कैसा है अब्बा? सल्तनत शेरकंद का शाही निशान बेटा, ये शेरकंद का शहजादा है मगर अब बड़ा होकर चोरों का शहजादा बनेगा। इसकी आंखें चील की तरह तेज और बाजू शेर की तरह मजबूत होंगे। हाँ मगर इस निशान पर किसी की नजर पड़ गई तो इसकी और मेरी दोनों की खैर नहीं। इस निशान को जमीन के कमरे से छुपा दो अब्बा। शाबाश शाबाश शाबाश। ला बेटा कमरे दे दे अपना। तो बढ़िया कमरा है। अभी किसी को नजर नहीं आएगा। ये तो ठीक है, फिर भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होने से पहले हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, समझी? चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो रवानगी की। चलो 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 आओ बेटा जी। भैया Thank you.
वक्त का काफिला घड़ियों दिनों महीनों गिराहों से गुजरता हुआ 18 साल की मंजिल तय कर गया। नन्हा शहजादा मुराद यूसुफ के साये में पलकर जवान हो गया और यूसुफ उसे अपने साथ लेकर फिर शेरकंद वापस आ गया। का बेटा दुआ करने तैरते तैरते दूर चला जाए और हम इसके कपड़े लेकर चंपट हो जाए है? मगर ये नहाने का कौन सा वक्त है? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है ये शाही खजाने में दाखिल होना चाहता है। खजाने में? अबे तीन बार पानी की गहराई में नीचे नीचे तौर पर खजाने तक पहुँचना और फिर जिंदा लौटाना, खाला जी का घर नहीं है। तो इसके बदले इसकी लाश ही पानी में तैरती नजर आएगी। तो देखते जाओ क्या होता है। इस थैली में एक काम 100 और इसमें एक ऊपर 100। अरे भाई एक दिनार इस थैली में से उसमें डाल दो ताकि हिसाब में गड़बड़ ना हो, समझे? अरे कमबख्तों मैं मर गया तो तुम्हें कौन संभालेगा? हमारी किस्मत की तरह इसके हाथ भी खाली है। मेरे ख्याल में खजाने में घुसना तो दरकिनार, ये खजाने तक पहुंचा ही नहीं। अबे खजाने तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी मदद आ जाए और ये अपना हिस्सेदार हमें बना ले तो हम बहुत आसानी से खजाना खाली कर सकते हैं। जीता रखे और तुम लोग तुम्हारी कौन के नाम पर ये बकरे उठाई गिरा गिरा कर जनाब और मैं बादशाही की ओर चपट घर का घर उलट पलट
मेरा नाम है हाजी। ये तो अपने कपड़े हो चुके, जब तक तुम वापस नहीं आए हम इनकी निगरानी करते रहे। हमदर्दी का शुक्रिया। शक्ल से तो पाजी लेकिन बातों से शरीफ मालूम। कुछ देखो दोस्तों, वक्त आने से दमड़ी का बदला दिनार से चुकाऊंगा। भागो भाग, कौन हो तुम, पीछा करो इसका। अपने शबाब पर है, शबाब अपनी बहार पर है, बहार अपने निखार पर है। तारे निसार होते हैं इस नहजबीन पर, चांद आसमान का उतर आया जमीन पर। झूठी खुशामी, कहाँ चांद और कहाँ हम। उसमें थी मलेका को सोलह सिंगार किए देखकर चौधरी का चांद भी शर्मा रहा है। जब पूछो तो सफेद रंग की फीकी चांदनी ये रंगीनी कहाँ, ये सुनहरे बाल, ये फूल से गाल, ये शर्बती आंखें और ये अदाओ नाच की बच्चियाँ चांद को कहाँ मिले थे। अरे खुशामल्ला, तुम्हें ये मेरी तारीफ करना किसे सिखा। जी हुस्न के ठेकेदार से। कौन है ये ठेकेदार। ये आईना सरकार, इस आईने में आपका हसीन चेहरा ऐसा मालूम होता है जैसे चांदी के झरने में बहता हुआ सोने का फूल। ये आईना भी तुम्हारी तरह खुशामल्ला है। अरे ये तो बताओ, कल अपने मरने के मौके पर हम कौन सी जवाहर पसंद करें। हीरा हजूर, हीरा। हम यकीनन हीरा पसंद करें क्योंकि उसकी किरणों में उस आग की तरफ है जिसकी इस उम्र में मेरे सोने वाले शोहर को सुनता था। हो रहा, भागो, पकड़ो। इतने कमाई होते हुए भी जी नहीं भरता, दिल चाहता है कि और दौलत जमा करूं। दौलत ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, चाहे चोरी से मिले, बेईमानी से मिले, ईमानदारी से मिले, जिस तरह भी मिले मगर दौलत मिले। ये लो। लेकिन अब्बा, जब खुदा हमको इतना खुश दे रहा है तो चोरी करने की क्या जरूरत है। तुम तो जानती हो जमीला, ये दौलत हम अपने लिए नहीं बल्कि शिमू के लिए जमा कर रहे हैं ताकि शहजादे शिमू को उसका तख्तो ताज वापस दिला सकें। इस काम के लिए फौज की जरूरत है, फौज के लिए तनख्वाह की जरूरत है और तनख्वाह के लिए दौलत की जरूरत है। इंशाल्लाह खुदा आपको इतने काम में जरूर दिया करे। अब्बा सिपाही मेरे पीछे लगे हुए, और बेटा जल्दी नाच गाना शुरू करो। लेट्स गो। ये दुनिया के मेले मगर हम अकेले, तमन्ना है कोई हम।
जहाँ पर नहीं आ सकता। अबे अंधे, जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा कैसे आ सकता है? जहाँ खाकान जैसा जवान मर्द शेर बिल बैठा हो वहाँ चोर आ सकता है? हो सकता है सरकार, तुम्हारा सर हो सकता है। जाओ निकलो यहाँ से, जेल खाने की बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से, दबाओ जाओ। बहुत अच्छा गाती हो, बेहतरीन नाचती हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुसीबत जान। बहन का नाम? माँ का नाम? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, घर का घर आफ्ताब है, एक से एक लाजवाब है। आओ मुझे तो अपने सदके का बकरा बना लो। तो फिर बकरा ही तक ठहरेगा। अरे क्या हुआ? पाँव में मोच आ गई। खड़े खड़े ये नाजुक नाजुक पाँव दुख गए होंगे। आओ आओ मेरे पास बैठ जाओ। अब क्या हुआ? कितनी नाजुक हो, जी चाहता है जूतियों समेत तुम्हें आंखों में बिठा लूं। सरकार लो, फिर आगे ना बकार, बको क्या बकते हो? हजूर को वजीर साहब ने याद फरमाया है, है तेरा सत्यानाश हो। सूंघने भी हम ना पाए थे कि वो बुल उड़ गया, रह गई हाथों में टहनी और बुलबुल उड़ गया। घर बनाने से पहले ही आंधी आ गई। माफ करना बेगम, मजबूरी लिए जा रही है, कल अंधेरा होते ही फिर आ जाऊंगा। चलो दफाओ। तकलीफ। तकलीफ। ओए कार को छोड़ो, हुआ क्या? हुआ क्या? ये नाच जाकर तू कोतवाल को अड्डे लगा रही थी। अरे ये तो मैं उसे बेवकूफ बना रही थी।
डरती थी वो कहीं तुम्हें पकड़ ना ले, मगर उसने तो कछुए की तरह हाथ पांव निकालना शुरू कर दिए। बात तो कुछ समझ में आती है। इसीलिए तो सांप के सामने बीन बजाने लगी। सांप चाहे जितना जहरीला हो लेकिन बीन की जादू भरी आवाज पर जरूर मस्त हो जाता है। जनाब ने अच्छी तरह ये यतीम खाना, मेरा मतलब है गरीब खाना देख लिया ना सरकार। इतनी अच्छी तरह से देखा और सुना के मजा आ गया। ये गरीब खाना कहाँ, ये तो दौलत खाना है और वो भी शरीफों का जनाब, शरीफों का। शरीफों का मतवालों का, दिल वालों का, दीवानों का। ये क्या फरमाया, बहुत खूब है, बस तारीफ नहीं हो सकती, बहुत शरीफ है आप। ये चाहता है चोर रोज यहाँ आया करे और मैं रोज उसे ढूंढने आया करूँ। जी पहले मैं चोर को ढूंढने आया था, अब अपने आप को ढूंढने आया करूँगा। तो क्या आप चोरी हो गए हैं? हाँ। कहा? आशिक की आह में, हुस्न की निगाह में, मोहब्बत की राह में, इश्क की पनाह में, माशूक की जलवा गाह में। तेरा बेड़ा गर्क उल्लू की दुम, कवायद करते करते शायरी करने लग गया है। प्यार करता है दिल में असर चुपके चुपके, दिल को होती है दिल की खबर चुपके चुपके। वो औरत कितनी खुशनसीब जिसके हुस्न का जादू तू पर चल गया। उन फूलों की खुशी का क्या ठिकाना जिनकी रंगभूमि और महक ने तुम्हें भंवरे की तरह मस्त तो बेखुद कर दिया। हाँ बेटा, अब जरा फुर्सत से बताओ कि क्या हुआ। तुम किले की दीवार पर चढ़ने में कामयाब तो हो गए ना? दीवार पर चढ़ के किले के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन खजाने तक ना पहुंच सके। क्यों? एक तो वहाँ पाली बकरे कुत्तों की तरह शोर मचा रही थी, दूसरे खजाने का रोशनदान लोहे की सलाखों से ऐसा बेगत बना हुआ था कि मेरे अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। सलाखों का दरमियानी फासला कितना था? इतना होगा जिसमें मुश्किल से मेरा सर जा सके। ये तो बहुत कम रास्ता है, कुछ अकल काम नहीं करती कि क्या किया जाए। क्योंकि खजाने के बगैर फौज, फौज के बगैर लड़ाई और लड़ाई के बगैर तुम्हारा हक मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन तुम्हारी इतनी परेशान क्यों नजर आते हो? किले की दीवार फांसते वक्त कहीं चोट तो नहीं आई? देखो बदन तो नहीं अब्बा, किसी की आंखों ने मेरे दिल पर चोट पहुंचाई है। क्यों अब्बा, हमारे यहाँ चचेरी बहन से शादी करना जायज है ना? चचेरी बहन? या खुदा, क्या तुमने शहजादी गुलनार को देख लिया? बेवकूफ ना बनो, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। लेकिन मैं क्या करूं अब्बा, मजबूर हूँ। हंसते हुए गए और रोते हुए वापस आए। Thank you.
سبحان اللہ، سانس لیتی ہوئی خوشبو، صبح کے سورج کی طرح لاجواب حسن۔ یہی ہے میری نوری نظر، آپ کی کنیز۔ کنیز؟ نہیں، حسن کی ملکہ، پھولوں بھری ڈالی کی طرح نرم و نازک، سنگ مرمر کے بت میں تراشی ہوئی قیامت۔ اندر تشریف لے چلیے علی جائے۔ چشمی، شہزادہ مراکش جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ تسلیمہ زندہ باد، حسینوں کی سرتاج اور دور آسمانیں۔ زمانے کا دستور ہے کہ جب کوئی اپنی شریک زندگی پسند کرنے آتا ہے تو اس کی رونمائی میں کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ ضرور نرد کرتا ہے۔ ہمارے ملک مراکش کا بھی یہی رواج ہے۔ میں ملکہ حسن کو دنیا کا حسین ترین تحفہ پیش کرتا ہوں۔ کبوتر کے انڈے کے برابر یہ بیش با موتی، انمول موتی۔ موتی سچ میں یہ میری حسین ترین پسند ہے۔ بسم اللہ، قبول فرمائیے۔ 1200 سال سے یہ موتی ہمارے خاندان کی عظیم الشان یادگار ہے۔ ہمارے بزرگوں سے یہی دستور چلا آتا ہے کہ یہ موتی صرف اسے پیش کیا جائے جسے شہزادہ اپنی رفیق زندگی بنانے کے لیے پسند کرے۔ میں اس موتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ مجھے یہی امید ہے، کیونکہ ایک اور رواج ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے، یعنی شہزادے کا دیا ہوا یہ موتی ملکہ اسے نظر کرتی ہے جو اپنے باپ کا جانشین ہو، یعنی ملکہ کا پہلا بیٹا۔ حیا کی لہروں نے آسمان حسن کو سنہرا کر دیا۔ بہت حسین ہو میری ملکہ، مجھے یقین ہے کہ اس بیش بہا مورتی کو اپنے حسن و جمال کی طرح عزیز رکھو گی۔ انشاءاللہ۔ اجازت ہے؟ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ موتی کی عظمت سے واقف نہیں، وہ موتی ہماری سلطنت کا تاج ہے، ہماری حکومت کا نشان ہے۔ جس کے قبضے میں وہ موتی ہوگا وہی مراکش کا اصلی بادشاہ کہلائے گا۔ آپ کی غفلت اور لاپرواہی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کسی چور کو مراکش کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں علی جان، یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ چور اس موتی کی حقیقت سے واقف ہو اور مراکش سے علی جان کے ساتھ لگا ہوا چلا آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ موتی کی تلاش میں لاپرواہی برتنا چاہتے ہیں؟
या तो मोती तलाश कीजिए वरना याद रखिए ये हमारी आपस की जबानी बातचीत और जबान शमशीर से होगी। नहीं नहीं आलीजा, इतना गुस्सा न फरमाइए, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए। शहजादी के सर अजीज की पसंद, मैं वादा करता हूँ कि उस अनमोल मोती की तलाश में जमीन और आसमान नहीं कर दूंगा और जब तक उसे हासिल न करूंगा चैन से न बैठूंगा। मैं नया चांद निकलने तक फिर वापस आऊंगा और कब की बार मेरे साथ मेरी तमाम फौजें भी होगी, आग बरसाने वाली तोपें भी होंगी। अगर उस वक्त तक आप मोती ढूंढने में नाकामयाब रहे तो मुझे खुदा के अजमत और जलाल की कसम शेरखान की ईंट से ईंट बजा दूंगा और आपकी तमाम शान और शौकत को हाथ में मिलाकर आपको दद्दा का फकीर बनाकर छोड़ूंगा। अब हुजूर, अब नरमी और अहम दिली से कामयाबी न होगी, आप अपने तमाम गुस्से और गजब को काम में लाइए। ऐसे ही होगा नूर चश्म, मोती को दोबारा हासिल करने में मैं कोई सजा कोई ज्यादती कोई जुल्म उठाना रखूंगा। मोती न मिला इससे पहले कि शहजादा हैदर हमला करे मैं खुद अपने गुस्से की आग से तमाम मुल्क शेरकन को जलाकर खाक स्याह कर दूंगा। अपने महल में वापस जाओ। यूसुफ दर दौलत पर हाजिर है आलीजा, पेश करो। ओ तो तुम ही हो वो चोरों के सरदार? कभी था जरूर आलीजा, लेकिन मुद्दत हुई मैंने इस जलील पेशे को छोड़ दिया है। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ आज किस लिए बुलाया गया है? बाजार में अफवाह गर्म है कि शाही महल से एक अनमोल मोती चोरी हो गया है, लेकिन मेरे आका मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि मैंने वो मोती या उस किस्म का दूसरा कोई मोती आज तक नहीं देखा। तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता, लेकिन बड़ों का कहना है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही की मदद लेना चाहिए। अगर तुम उस मोती को ढूंढ कर ले आओ तो 5,000 सुर्ख दीनार इनाम मिलेगा, और अगर मोती के साथ मोती के चोर को भी पकड़ कर लाओगे तो 5,000 सुर्ख दीनार और मिलेंगे। 10,000 सुर्ख दीनार, इतनी दौलत, या अल्लाह, इतनी कदम, इतना बड़ा इनाम हासिल करने के लिए तो मैं अपने सर को भी खतरे में डाल सकता हूँ। तुम्हारा सर तो अब भी खतरे में है, अगर नया चांद निकलने तक वकीम की मोती न मिला तो याद रखना सबसे पहले तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सर आलीजा, अब तुम जा सकते हो। दुश्मन कहाँ मरता है, वो तो शैतान की उम्र लेकर पैदा हुआ है। अरे ओ नाखल बोला दो, मेरी मैयत तुम्हारे सामने बोल रही है, तुम सब खा
खामोश खड़े हो, मैं भी तुम्हारा बाप था कभी, मेरी लाज पर रो तो सही। बात क्या है बात, कुछ बताओ तो सही। तुम्हें बादशाह साहब ने बुलाया था ना? बादशाह ने नहीं, मलकुल मौत ने बुलाया था, तभी तो जिंदा लौट कर नहीं आ सका। अब्बा तुम शाही महल गए थे ना, तुमने शहजादी गुलनार को देखा? अरे तुझे शहजादी गुलनार की पड़ी है, यहाँ गर्दन के पीछे मौत खड़ी है। हाँ मौत, शाही महल से मोती चोरी हो गया है, सुल्तान ने हुक्म दिया है कि अगर नया चांद होने से पहले पहले वो मोती वापस नहीं मिला तो वो जालिम मेरा सर इस गर्दन से उतार लेगा। रख ली, रोना बंद करो, अभी तो तुम्हारा सर सलामत है। लेकिन कब तक, आज नहीं तो कल ये पकड़ हुए तरबूज की तरह जिंदगी की बेल से काट लिया जाएगा। बेटी शकीला, एक प्याला कहवा तो लाओ, दफन होने से पहले गर्म होके तो मरूं। अब्बा मुझे चोर को पकड़ने की तरकीब सूझी है। शाबाश, बोल तू ही कुछ बोल, मेरा तो दिमाग फिलफिला हो गया है। सुनिए, बजाय इसके कि हम चोर को ढूंढे, अगर चोर खुद हमें ढूंढता हुआ यहाँ चला आए तो? वो कैसे? अरे भाई मेरे उड़न खटोले, तरकीब क्या निकाली है, तकदीर की तहरीर पढ़ डाली है, क्या सुनहरी फंदा है जिसमें चोर तो क्या चोर का बाप भी फंसे और फिर फंसे। देखो भाइयों, गौर से देखो, ये काली मुर्गी का सफेद अंडा नहीं, हीरा है, हीरा। हीरा रिश्ते में पहलू हीरे का ताला है, इसकी बहन का नाम था लूरी और हीरे का नाम है लूरू लूरू। मगर ये कैसे मालूम हो कि ये असली हीरा है? पहले से खरीदो, तोड़ कराओ, मोल कराओ, फिर झोंके पास ले जाओ, ठोको बजाओ, फिर नींद ना आए तो ठंडे पानी में गर्म शोरबा मिलाकर इसे निकल जाओ। पेट में जाते ही जन्नत की बहार लूटोगे, जवानी का समाहर मैं भी तो कुछ हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। मेरी भी तो एक बात सुनो दोस्त, जुमे की रात को ये हीरा बगैर किसी का इंतजार किए नीलाम कर दिया जाएगा। हिराब चले मेरा, रिश्तेदारी हमसे की, मोती का पता हमने बताया, तुमने उसे महल से अकेले ही उड़ा लिया। रिश्तेदारी गई तो गई, हमारी दल्लाली का घर। मैंने महल से कोई मोती नहीं उड़ाया, सदा जाने। कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, मगर याद रखो अकेले खत्म ना होगा, एक दिन पछताओगे, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ किसका मालिक बन सकता है, जिसकी जेब में खड़खड़ाते हुए दीनार हो, जिसके सीने में उछलता हुआ दिल हो, वो इसे जुमे की रात को खरीद सकता है। दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। दोनों हाथ?
हाँ दोनों हाथ और मेरे दोनों हाथ अशरफियों से भर दिए जाएंगे। आज मिट्टी की हंडिया में खाई खाना पकाओ, गुलाब से आटा गूंदो, हल्दी की जगह जाफरान डालो और मुझको अंबर का दीवाला निकालो, इस अंदर का इत्र कहवे की प्याली में डालो। जवानी का जब आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। मैं ये मोती शहजादी गुलनार को दूंगा। आए? क्यों देंगे आप? मैं इसे बादशाह की खिदमत में पेश करूंगा। 5,000 अशरफियों की मुस्कुराहट एक जवान औरत की हंसी से ज्यादा खूबसूरत होती है बेटे। अब्बा, 5,000 अशरफियां चोर को गिरफ्तार करने की भी तो मिलेंगी। खजाने की सलाखों से तो मैं यही सोच रहा हूँ, कबूतरी काम की है, इसे दाना डालना चाहिए। अरे सर्दियां लग जाए कहीं, इसे बालों वाला कंबल लाओ, बुलबुल के परों का बिछौना बैठा। हाँ हाँ, मुंह क्या तक रही हो, दहा दो गरम गरम कहवा लाओ इसके लिए। अब बस है, इन नर्म नाजुक हाथों को देखो, कितनी बुरी बात है, इन्हें काट दिया जाएगा। उस मर्दूत पर कयामत की बिजलियां गिरे जो दिल में ऐसा ख्याल भी लाए, मुझे तो ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन अब्बा वो इनाम, अरे 5,000 दिनार चीकू पर कुर्बान, सुना नहीं तुमने, एक के बदले खुदा 10 देता है। चीकू को अफसोस है कि चीकू ने तुम्हारा हीरा चुराने की कोशिश की। तभी वो हीरा नहीं कांच का टुकड़ा था, चोर को पकड़ने की तरकीब। तुम्हारा नाम क्या है? शिमू। चीकू को तुम्हारा नाम पसंद है? लो, एक कावा पी लो कावा। शिमू, अब तो पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में समझो, चीकू घर में खुदा की रहमत बनकर आई है। मैं कहता हूँ ये औरत नहीं बल्कि हमारे सुनहरे ख्वाबों की ताबीर है, बस इससे काम लेना तुम्हारा काम है। ये कौन सी मुश्किल बात है? अभी वो बच्चा है, नादान है, जो चाहूंगा करा लूंगा। ना जाने किस बेवकूफ ने तुम्हारी परवरिश की है। अरे बेटा, चिंगारी और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे जमीला, इसे नए कपड़े तो पहना दिए होते। मेरी तोबा, ये लड़की है बड़ा, इसने कपड़े तो दिए थे लेकिन कहने लगी पहले नहा, नहाना कोई जिंदगी है? चीकू ने 6 महीने से अपने बदन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने दी और न गिरने देगी, इसलिए इसने कपड़े छीन लिए। चीकू ने कहा ले जाओ, हमारी तो जान तक आ गई है। ये औरत है मुसीबत, ये हमारे पास सहयोग नहीं है, इसे तो तुम ही संभालो। तुम आओ चीकू, इधर आओ, मैं और शिमू तुमसे बात करना चाहते हैं। नहाने की? नहाने की नहीं, खाने और कमाने की। दुनिया में और भी तो बातें होती। कहाँ से शिमू अंदर जाएगा? कैसा नक्शा? अपनी किस्मत का कहो या हमारी तकदीर का। और यहाँ है वो दरवाजा जो अंदर से बंद है, और ये है वो रोशनदान जिसकी सलाखों से गुजर कर तुम्हें अंदर जाना होगा। अच्छा, तो तुम लोग खजाना लूट रहे हो? आहिस्ता बोल आहिस्ता, हवा के भी कान होते हैं। चीकू सारी दुनिया को बता दीजिए। दादा बता दे, मर। चीकू को बाजार से चीजें दे दोगे, चीकू किसी से नहीं कहेगी। कैसी चीजें? जो चीकू पसंद करेगी और उनके दाम तुम दोगे। कौन बात कहेगी? अब्बा, यह हमें वहां मरवाएगी जहाँ पानी ना मिले। घबराने की बात नहीं, तुमने तो कहा था ये नादान है, बच्ची है, बच्चों के तोहफे औरत की फरमाइश की तरह लंबे चौड़े नहीं होते। इसे बाजार ले जा, कुछ खिलौने मिलौने दिला देना और औने पौने समझा देना। और कुछ नहीं खरीदना, मैं बहुत थक गया। तुम थक गए हो? लेकिन चीजें नहीं थकी। अच्छा ये बताओ, तुम चीकू को दुकान से कौन कौन सी चीजें खरीद कर दोगे? कुछ नहीं, ये देखिए। चीकू को ये नहीं चाहिए, चीकू को जूती चाहिए, जेवर चाहिए, कपड़े को। ये देखिए बानू, ये नहायत कीमती कपड़ा है, इसका नाम है दरबा। अगर शहजादी गुलनार इसे देख पाए तो मुंह मांगे दाम देकर खरीदने।
चीनू ले गई गुलनार। क्या चीनू से कुछ गलत है? चीनू, चीनू एक कपड़ा जरूर खरीदेंगे। दामे, पांच दिना, पांच दिना? वहाँ पे नहीं चाहिए। इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा? पैसे को वापस करें। चीनू नहीं जाएगी। चलती है कि नहीं? मैं तुम्हारे कान उखाड़ कर फेंकूंगी। नहीं तो सब मुझे खरीद कर दो। कपड़े, जेवर, जूते, सामान, बहुत सा सामान। बोलो लेते हो? हाँ हाँ हाँ, चंगी बिल्ली, लेकिन मेरे कान तो छोड़। अरे तो तोहफे लेने आई है? आपने दहेज का सामान खरीद रही। चल मर भी, अब मैं और कुछ नहीं लेने का। और कुछ नहीं लेने का? तू खेल है कि वो सारी दुनिया को चीज चीज से बताती है कि तुम लोग खजाने में। अरे खेल खेल, ऊपर खुदा की मार, चुप बस चुप। मैं तुझे सब कुछ खरीद के देता हूँ। आगे ना रास्ते से। अब हम दोनों सुलह कर ले। तेरा जो भी चाहे तू खरीद ले, मैं भी अपनी पसंद से तेरे लिए एक तोहफा लेके आता हूँ। ऐसा तो ठीक है, तुम्हारा तोहफा जरूर पसंद करे। आइए आइए, ये देखिए, आप ये देखिए, ये मखमल का कुर्ता, ये दरी का दुपट्टा, अरे ये क्या कैसे करे? कहो मैं देखो, तुम्हें तो दुकान का स्टोर बना दिया। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, ये बहुत महंगी है। चुप रहो जी, ठीक हो, कुछ पसंद कर लेगी। तुम दुकान के बाहर खड़े रहो। जाओ बेगम, यहाँ से जाओ। या खुदा, आज किसका मुंह देख रहा है? मैं कहती हूँ तुम बाहर चले जाओ। और तुम चीजों का सत्यानाश नाश करती रहो। अरे क्यों मेरी रोजी में आग लगा रही हो? क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर रही हो? खुदा के लिए बस करो, बस करो। बाहर आया मैं ऐसे घर से। अरे बहने दो, तुम्हारे कासिद ने खबर दी है कि तुम्हें वो मोती मिल चुका है। सरकार खुद चलकर यहाँ तक आए। हुजूर ने किसी मुलाजिम को भेज दिया होता, गुलाम सर पर पौर आकर बकन खुद हाजिर हो जाता। जवानी कसम, आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बैठ जाओ, बैठे सरकार। कहाँ रो मोती? मोती सरकार, आया मोती, आया। ये आया मोती सरकार। हुजूर, ये हाथ ही बड़ा बरकत वाला है। मिट्टी में डाल दूं तो सोना हो जाए, ऊंट के सर पर रख दूं तो गोना हो जाए। जवानी का ये क्या बेहूदा हरकत है? हरकत बरकत नहीं सरकार, माल की रसीद मिल जाए ताकि गुलाम शाही खजाने से इनाम हासिल कर सके। तुम्हें वजीर आजम पर एतबार नहीं? आजकल तो चोर भी चोर का एतबार नहीं करता सरकार, और फिर बड़े लोग तो आखिर बड़े लोग होते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। लीजिए सरकार। अच्छा, तो अब ये बताओ कि इस मोती को चुराने वाला चोर कहाँ है? चोर? ओ जो चोर तो बदन पर तेल लगा रहा था, हाथों से फिजर करने का गया। झूठ, बहुत आन। तुम जैसे चोरों के हाथ से वो चोर कैसे जा सकता था? तो हुजूर, वो चोर कहा था? वो तो शैतान का आसमानी आफत, उसने 18 हाथियों की ताकत, उसकी आंखें जैसे अंगारे, उसकी सांसें जैसे शरारे। लेकिन हुजूर, आपका गुलाम भी जान की बाजी लगाकर उससे रात भर लड़ता रहा। लेकिन इतनी लड़ाई हुई, अब तुम्हारे बदन पर कहीं चोट का नामो निशान तक नहीं। हाँ, ये सरकार देखिए देखिए, ये चोट अंदरूनी लगी है सरकार। 2.5 पसली का हाथ भी, उस पर भी रीढ़ की 1.5 पसली गायब हो गई है। रीढ़ की हड्डी टूटते टूटते मोट खाकर रह गई है। बयान पुर दर्द है, लेकिन कहां तक ये खुदा ही जाने। कबूतर का शोरबा पियो नौजवान, अच्छे हो जाओगे। इतना तो बताते जाइए सरकार के मैं इनाम लेने के लिए कब हाजिर हो जाऊं। शुक्र करो तुम्हारा सर सलामत है, यही बहुत बंद है। हाँ? शिमू, ये उल्लू का चरखा क्या कह गया है? कहीं आपने को धोखा तो नहीं दे गया? आप घबराते क्यों अब्बा, हमारे पास रसीद मौजूद है। मैं फरियादी बनकर बादशाह से अपना हक मांगने जाऊंगा। ओहो, अब क्या होगा? जवाने कसम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे चीकू, कसम आज तो बड़ी जच रही हो। कहाँ गिरेगी ये बिजली? बिजली? ईमान नहीं छोड़ूंगा। अगर इन आंखों ने शहजादी गुलनार को ना देखा होता तो मैं यही समझता
कि मेरी चीकू जमीन की बेटी नहीं, आसमान का तारा या जन्नत की हूर है। चुल्हे में गई गुलाल, बाहर में जाए तुम्हारी आंखें, चीकू तुम्हें जान से मार डालेगी। जान से मार डालोगी? शीनू कहाँ मिले? गरीब परवर बादशाह की उम्र दराज हो, आली जा का दौलत तो इकबाल धूना हो, हुजूर पर खुदाए पाक की रहमतों का साया रहे। और तुम पर भी, तुम्हारे चेहरे की हंसी, आंखों की खुशी, रफ्तार और गुफ्तार, ये सब कह रहे हैं कि तुम कामयाब आए हो। उस गौरे मुराद को हासिल करने में मुझे इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी, इतनी जांघें उठानी पड़ी कि मैंने गर्मियों की कड़कती हुई धूप की परवाह न की। मैंने चीर की आंखें लेकर उसे हर तरफ और हर जगह तलाश किया और आखिर वो मोती मिल गया। मोती कहाँ जा सकता था अलीजा, हुजूर का हुक्म और हुजूर का वजीर ये दोनों एक ही चीज है, फिर भला मोती जा सकता था? मोती ना मिलता तो मैं सारी दुनिया में अपने आम न कर डालता। हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, मगर मोती तो पेश करो। जी हाँ अलीजा, मोती तो ये क्या रखा है मेरी जेब में, लीजिए लीजिए हाजिर है, पेश करता हूँ। खुदा हुजूर को दौलत दुनिया से माला माल कर दे, हुजूर के दुश्मनों को पामाल कर दे, हुजूर के दोस्तों को निहाल कर दे। ये क्या है? वो तो नहीं है, खुदा की हजार जानते हूँ शैतान पर जिसने मेरी जेब काट ली। मैं लुट गया अलीजा, हुजूर के सामने मेरा मुंह काला हो गया। मोती नहीं है, मोती नहीं है? तुम कहते हो किसी ने तुम्हारी जेब काट ली? फरेबी झूठे, अगर वो मोती नहीं मिला तो हम गर्दन से तुम्हारा सर काट लेंगे। जी जी खुदा गवाह है, मैंने झूठ नहीं बोला अलीजा, मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ। हुजूर के कदमों की कसम, ये सब कुछ मेरे मातहतों की गफलत से हुआ है। ओ अंधे, अरे ओ अंधे की औलाद, ऐसी गंदी छा गई तुम्हारी आंखों पर, तुम मेरे साथ साथ रहे हो, किसी जेब कपड़े में मोती उड़ा लिया और तुमने उसे पकड़ा तक नहीं, तुम झगमा कर रहे मेरे साथ। जाओ शहर के हर चोर हर बदमाश हर जेब कपड़े को मेरे सामने ले आओ, मैं उन सबका खून पी जाऊंगा। जाओ निकलो। बंद करो ये फजूल बातें, शहजादा हैदर शेरखान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और तुम अभी तक चोरों और बदमाशों को गिरफ्तार करने में लगे हुए हो। नहीं नहीं अलीजा, मेरा मतलब है कि मोती के असली चोर यूसुफ और शिमू गिरफ्तारी के डर से मोती को लेकर भागने की कोशिश करेंगे और शहर के हर नाके पर मेरे बेहतरीन जासूस मौजूद हैं, उन्हें कर करके मोती हासिल कर लिया जाएगा। खराबा दौलत ज्यादा, दूरे वाला यूसुफ का बेटा शिमू बड़े दौलत पर हाजिर है। यूसुफ का बेटा? शायद इसके आने में कोई राज है, उसे हाजिर करो। अलीजा का नैयर इकबाल साहब जिंदा रहे, मुल्क की किस्मत का मालिक हशर तक जिंदा रहे। हम तुम्हारे आने का मकसद जानना चाहते हैं। मैं फरियादी बनकर आया हूँ अलीजा, अपने मुल्क के नौशवान आदों से इंसाफ चाहता हूँ। हमारा इंसाफ आफ्ताब की तरह रोशन है, हम तुम्हारी शिकायत पर गौर करेंगे। बयान करो। हुजूर के हुक्म के मुताबिक मैंने मोती हासिल करके अमीर अबू कान के हवाले कर दिया, जिसके हम तक महरूम। मुलाहिज़ा फरमाइए, इस रसीद पर वजीर आजम के दस्तखत मौजूद हैं। तमाम दुनिया का हुस्न सिमट कर इस नौजवान में जमा हो गया है, जिसे देखकर मेरी निगाहें खूबसूरत हो गई। जिसने तुमसे मोती लिया है वही तुम्हें इनाम भी देगा, क्या यही हुजूर का इंसाफ है? हद्दादा मेरा और शिमू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तारीखी मोती फिर चोरी हो गया है। मोती फिर चोरी हो गया? इसका मतलब यह है कि हवा भी चोरी करने लगी? ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूर। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? अब तुम जा सकते हो। फिर एक बार सुन लो, मोती वापस करने का जो इनाम हमने मुकर्रर किया है वो अभी तक बरकरार है। ये नौजवान क्या उस बकरी नमाज यूसुफ का बेटा हो सकता है? जरूर ये अपनी मां पर गया है। आया हूँ परियाद लेकर, जुबान पर
नौजवान को मेरे हुजूर में पेश किया जाए। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जो हुकुम सरकार। तुम्हें शहजादी आलम ने अपने हुजूर में तलब किया है। मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। आओ मेरे साथ। तुम्हें हमारे अब्बास और वजीर आजम से कुछ शिकायत? शिकायत ही नहीं, बल्कि मुझे उनसे बहुत बार गिला भी है। लेकिन मलका हुस्न, मुझे आपकी नरम और नाजुक निगाहों से कोई शिकवा नहीं। अगर ये नजर का धोखा नहीं, तो हमारी आंखें भी तुम्हारे अंदर शहजादों की शान देख रही है। ये क्या? तुम्हारा नाम जिससे तुम हटता। पूरे आसमानी, आपके बेमिसाल हुस्न जमाल और चांद से चेहरे की झलक देख लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन इस बदमस्ती हुस्न का सौदा मराकेश के शहजादा हैदर के साथ हो चुका है, जो अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा मंजिल तय कर चुका है। वतन और शाही इज्जत के नाम पर हमें अपने जज्बात कुर्बान करना पड़ते हैं। हम अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। ये ना इंसाफी है मलका। मोहब्बत का जज्बा जितना हसीन और नाजुक है उतना ही तूफान अंगेज भी है। मोहब्बत का जज्बा वाकई हसीन और तुम्हारी जबान से तारीफ सुनने के बाद तो और भी हसीन हो गया। मजबूर बेशुमार दौलत और अंधी ताकत के हाथों दिया हुआ तोहफा वो मोती हमारी मरने की निशानी। फिर तो मोती के गुम हो जाने पर आपको खुश होना चाहिए, आप परेशान क्यों हैं? हम अपने लिए नहीं, अपनी रियायत में परेशान हैं। अगर नया चांद निकलने तक वो तारे ही मोती ना मिले तो शायद अरे हैदर आंधी और तूफान की तरह हमारे शहर पर टूट पड़े। कसम है उस पाक परवरदिगार की और अपनी तलवार की जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, आप हमें हुक्म दीजिए जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है। शेरखान के एक भी न करने देंगे, मैं और मेरे साथी उस दालन के अरमानों को उसकी कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत पर हजार आते हैं। बेशक तुम्हारी रगों में एक बहादुर खून दौड़ रहा है, लेकिन तिनके का तूफान से और शीशे का पहाड़ से मुकाबला नहीं हो सकता। अब बहुत मजबूर है देवा, वो जानते ही शेरखान की छोटी सी फौज शहजादा हैदर की ताकत के सामने न थे। तब तुम मोती लौटा देना चाहिए। तुम जानते हो वो मोती कहाँ है? कसम है आपके हुस्न जमाल की तो खुदा मैं नहीं जानता। वक्त साफ बनकर करीब आ रहा है, जल्द से जल्द उस मोती को तलाश करो। जमीन आसमान एक कर शहर का कोना कोना छान लग वतन के लिए, काम के लिए, हमारे लिए शिम। अपनी शहजादी के लिए मैं जान की बाजी तक लगा दूंगा। तुम कुछ भूल तो नहीं गए? Thank you.
मेरा मतलब था ये अशरफिया। मैं ताकि की माफी चाहता हूँ। जब तुम मोती लेकर आओगे मैं भड़क पे दिल के साथ तुम्हारे गुस्ताखी का इंतजार करूँ। तुम सही सलामत लौट आए। जब तक किस्मत धोखा ना दे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमीला जमीला चीकू क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? जरा अपनी जवान आंखों से देखो कहीं मेरी पूरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। अरे वारे मेरे मिट्टी के शेर आखिर 5000 अशरफिया बादशाह तो ले ही आया जवाने कसम। आखिर मैं तुम्हें तो कुछ है बादशाह? बादशाह ने तो 5000 पत्थर के टुकड़े भी नहीं दिए। ये नाई तो शहजादी गुलनार की है जिसे देखो तो ख्वाब सुनो तो शहनाई। शहजादी गुलनार? हाँ गुले अनार। सच कहता हूँ जमीला उसके लबों पर तबस्सुम आंखों में बिजलियां दिल में मोहब्बत निगाहों में प्यार सिया बालों में चांद सा चमकता हुआ चेहरा अंगड़ाई लेती है तो दोनों जहां पागल हो जाते हैं। कदम उठाती नारे की तरह जबान बंद कर। अरे अदा मस्ती भरी आंखों में मस्ती चार मस्ताना वो मस्त नाज है सता कदम तस्वीर मैं खाना। तेरा सर फिर गया है। मैं कहता हूँ होश की दवा कर ख्वाब में मिले हुए अंडे से मुर्गी पैदा नहीं होती। कुछ भी कहो कितनी अजीब घड़ी थी वो। सच कहता हूँ अब्बा मैं बहुत जल्दी उससे फिर मिलूंगा। ख्वाब में मेरे अब्बा मैंने शहजादी से वादा किया है कि वो मोती ढूंढ कर जरूर शहजादी के हुजूर में पेश करूंगा। मोती? कौन सा मोती? ओ हाँ ये तो मैं कहना ही भूल गया मोती फिर चोरी हो गया। मोती फिर चोरी हो गया? अरे वारे शेरखंड तेरा नाम तो शेरखंड के बदले चोरखंड होना चाहिए। अब्बा मैं जानता हूँ मोती किसके पास है। किसके पास है? हमारे मेहरबान वजीर अबू खान के पास। वो झूठ कहता कि मोती चोरी हो गया। अब देखना मैं किस सफाई से मोती उड़ाता हूँ। और फिर तुम उसे शहजादी को दोगे और शहजादी बदले में तुम्हें अपना दिल देगी और तुम जैसे एक हकीर फकीर चोर से मोहब्बत करेगी। माफ कीजिए कुतवाल साहब ये अंडा किसने फेंका है? निशाना चूक गया है इत्तफाक साहब के मुंह पर लग गया। मैं पूछता हूँ ये बदतमीजी किसने की? किसने फेंका ये अंडा? खुदा बेहतर जानता है। मैं कहता हूँ ये अंडा किसने फेंका है बताओ नहीं तो। ये कसूर मुझी से हुआ है तो मुझसे हुआ है। अभी तेरे बहादुर की बहादुरी निकालता हूँ। मेरे कंधी दर्द से सब कुछ ना होगा। इसके लिए तूफानी डंडा चाहिए। एनिवर्सन गार्डन खुदा के लिए अपनी चोट बंद कर। तुम मारते मारते थक जाओगे लेकिन शिमो मार खाते खाते नहीं थकेगा। अगर जख्मी ना हो तो और जोर जोर से मार कर आज मारे। अब देखता हूँ इसके पेट का पानी बोलता है या नहीं। खुदा का शुक्र है शिमू जो हम यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी शैतान का मुंह बंद किए देता हूँ। बेवकूफ तो से दाना दुश्मन अच्छा खजा मेरे सामने से। ओहो तुम तो वाकई खजा मालूम होते हो। अच्छा जाओ तुम भी क्या याद करोगे क्योंकि तुम्हें माफ कर दिया। हैं
तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा तो तुम चीकू को माफ कर दो। तुम जानती हो चीकू तुम्हें प्यार करती है। तुम भी चीकू को प्यार करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। तो तुम शहजादी गुलाब को चाहते हो? हाँ 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 शहजादी गुलाब को चाहता हूँ। ये बात है तो चीकू तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। चीकू हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारी सब जरूरत है। तुम्हारे बगैर तो मैं कदम भी नहीं चल सकता। हम दोनों साथ साथ रहेंगे और साथ ही खजाने में दाखिल होंगे। तो तुम चीकू को चाहते हो ना? अरे ये भी तो पूछने की बात है। जवानी का दम आखिर मैं भी तो पूछूं। बेटे वो दवा मिलाई है खजूरों में कि खाते ही बथुओं का गला घिसे हुए जूते का तला बन जाएगा। जी अब्बा अब खजाने वाली बथ की चीख पुकार ना कर सकेंगे। अर्पण मौला हुआ अर्पण मौला। लेकिन उस चीकू का क्या होगा अगर उसने खजाने की अशरफियां देकर हाथ पांव फैला दिए तो? इतनी चीजें ला दी अब क्या हाथी उड़ा लेगी चीकू? ये चीकू की क्या बातें हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। लेकिन ये हाल क्या बना रखा हमारे? वो नए कपड़े क्या हुए? चीकू को शकुना जीने नहीं देती। कैसे फिर नहा? चीकू को नेगी जो हजार नहाती है। चीकू ने कहा नहीं नहाती। जमीना बोली उतार दे कपड़े। चीकू ने कपड़े उतार कर उसकी मुंह पर फेंक दिए। सुनो चीकू आज हमें खजाने से दावत आई है और तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। लेकिन चीकू को क्या मिलेगा? जो तुम चाहो मिठाई खिलौने कपड़े। काम खोल कर सुन लो खजाने में पहुँच कर चीकू जितनी अशरफियां उठा सकेगी उठा लेगी। नहीं नहीं ये डाका है ये चोरी है। तुम कौन से हद करने जा रहे हो? मेरा मतलब है कि इल्म हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो उस्ताद को नजर करना चाहिए। क्या क्या अपना इल्म अपने ही पास रहने दो और कुछ जरूरत पड़े तो चीकू से सीख लेना। चीकू का बाप मराकेश का सबसे बड़ा चोर है। चीकू तुम अभी भोली हो नादान हो कमसिन हो। जवान आदमी के हाथ में दौलत का देना बंदर के हाथ में तलवार देने के बराबर है। चीकू को दौलत चीकू के लिए नहीं चीकू के बाप के लिए चाहिए। तुम्हारा बाप कहाँ है? मराकेश की जेल में। चीकू जेल के दारोगा वहाँ को छोड़ा देकर अपने बाप को छुड़ाएगी। क्यों बेचारे को खाम खा जेल से छुड़ा रही हो? फिर पकड़ा जाएगा उसे नहीं अब्बा। तुम्हारी आवाज तो सचमुच बैठ गई। अब्बा को भी कोई फिक्र नहीं। आखिर हाथों में कितनी अशरफियां आ सकेंगी? मुट्ठी तो मुट्ठी उठाएगी तो क्या होगा? चलो अब्बा नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों यार इस जताना चोट में दबा कर भूलना चाहती है? तीनों के तीनों जा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। तुम ठीक कहते हो लेकिन हमसे बचकर कहाँ जाएंगे? हम भी चूहे के पीछे बिल्ली की तरफ दबे पौने का पीछा करेंगे। तो फिर जल्दी करो अंधेरा उल्टी वक्त पर है। अबे हमारे पास भी उल्लू की आंखें हैं ये हमें धोखा न दे सकेंगे। दाना दिया करो ये भूखी रहेंगी तो शोर मचा मचा कर तुम्हें होशियार करती रहेंगी समझे? बहुत अच्छा सरकार। ये गुरु सुंदर तुम्हें सुख जाता होंगी ना? कौन चीकू? हाँ हाँ तुम। तुम कहो तो चीकू सुई चला के नहीं निकल जाए। तुम कहो बस बस बातें कम और काम ज्यादा। जैसे तुम अंदर जाओगी तो सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ तुम्हारी चीकू खड़ी है। मेरा मतलब है सीधे हाथ की तरफ वो दरवाजा है। लेकिन इस वक्त ये चांद शिमू चीकू और ये चांद ऐसा बोल। देख अंदर जाते ही दरवाजे की कुंडी खोल देना और बात कम है काम ज्यादा है पहला बदलने वाला है। अच्छा काम होने के बाद? हाँ हाँ जो कहेगी वही करूँगा। Thank you.
लेकिन चीकू बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अरे ये चाहे तो आंखों के रास्ते दिल में उतर सकती है। जवानी कसम आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। अब्बा, ये दौलत जैसे हम चोरी करने आए हैं, ये तो रियायत की अमानत है। बेटा, इसे अमानत न कहो, ये रियायत के लोगों का निचोड़ा हुआ खून है। लेकिन आज हमें इसकी जरूरत है। दौलत का बगैर ताकत और ताकत का बगैर हुकूमत हासिल करना मुश्किल। बस जिस दिन तुम्हें तख्त पर बिठा दे, रियायत की अमानत रियायत को लौटा देना, ठीक है? जा रही मेरी के लिए। ये लो अपना हिस्सा, दो मुखिया तुम भी भर लो। शुक्रिया, चीकू को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बहुत प्रेम, ये थैली है क्या थैला? इतना बोल उठाओगी? क्या समझा है तुम लोगों ने चीकू को? ये औरत है, ये बैलगाड़ी। और तुम भी चीकू पर चला छोकर ना चले जाना, खुदा की कसम शोर मचा दूंगी। अरे चीकू की टोपी, अरे टोपी गई जन्नू में। सच कहता हूँ, यह हमें वहां मरवाएगी जहां पानी भी ना मिले। जुबान बंद करना चाहते हो तो आधा माल बांट, नहीं तो अब भी मौका है। एक आवाज पर पूरी फौज टूट पड़ेगी। जमीन कमी है, शुक्रिया शुक्रिया भाई, हमें लालची ना समझना। ये माल हम अपने लिए नहीं, अपने साथियों के लिए ले जा रहे हैं। वक्त आने पर बेचारे हमारे तुम्हारे काम भी तो आ जाते हैं ना। ठीक है ठीक है। कितनी थैलियां क्या करोगे बेगम? तुम भी अपनी एक थैली दे दो, बोल क्या हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं लेगी। चार थैलियां 100 दिनार की। चार थैलियां 100 दिनार की। अरे मिर्जा, इन थैलियों का मुंह कैसे खुला हुआ?
मैं कहता हूँ खजाना चोरी हो गया। ये कैसे हो सकता है? नमुमकिन जहाँ गुस्से में गुजर भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ किसी का भी आना नामुमकिन है। मगर आज नामुमकिन मुमकिन हो गया है। जरूर सुई के सुराख से कोई ऊँट निकल गया है। तुम सब किताब कहाँ मर गए? मैं कहता हूँ मैं अकेला क्या देखूँ, हिसाब देखूँ, किताब देखूँ, थैलियाँ गिनूँ या ताला बंद करूँ? अरे मक्तों मैं मर गया तो तुमको कौन संभालेगा? मिर्जा पहले अपनी फिक्र करो, शाहियों को मिलते ही सबसे पहले मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन का खैर मकदम करेगी। इस तरह आसानी से खजाना चोरी हो जाना कोई मजाक नहीं। ऐसा महसूस खजाना किस तरह चोरी हो सकता है? यही तो राज है जो अभी तक हल नहीं हो सका अलीजा, कि वो कौन सा ऐसा जियाला और शातिर चोर था जो चीखती हुई बतखों और होशियार पहरेदारों को धोखा देकर खजाने में दाखिल हो गया। खुदा की कसम अगला हैरान है, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता अलीजा। मुमकिन है चोर छत के दरवाजे से खजाने में दाखिल हुआ हो? छत का दरवाजा पूरी मूर्ति के साथ अंदर से बंद था और अभी तक उसी तरह बंद है। ऐसी हालत में तुम्हें जिन जिन लोगों पर शक हो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लो। हुजूर अब्बा, खजाने के चोर को गिरफ्तार करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी कोशिश तय करके उस तारीखी मोती के चोर को गिरफ्तार करें? अगर वह मोती ना मिला तो शेरकंद दुश्मन की तोपों से धुएं के बादलों की तरह उड़ जाएगा, फिर न खजाना बाकी रहेगा और न खजाना चुराने वाले चोर। अजीज शहजादी का इशार बजा है, लेकिन मोती को वापस करने के लिए ही खजाने के चोर को गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि मोती का चोर और खजाने का चोर ये दोनों एक है, और वो है चोरों के सरदार का बेटा शीमू। अगर शीमू ही खजाने का चोर है और मोती भी उसी ने चुराया है तो यकीन रखिए ये दोनों चीजें वापस हो सकती हैं। अगर आलीजा उनकी वापसी के लिए ऐसे इनाम का ऐलान करते जो शीमू को पसंद हो। कौन सा इनाम शीमू को पसंद आएगा? 10,000 दीनार या 10 गांव की जागीर? नहीं, शायद वो ये कुछ भी पसंद ना करे। फिर क्या पसंद करेगा? शादी के लिए आपकी गुलनार का हाथ। शहजादी, क्या तुम अपने होश खो बैठी या तुम्हारे दिमाग में गुल लग गया? क्या जरो जवाय रात में खेलने वाली गुलनार गंदगी में रहते हुए कीड़े का इंतखाब करेगी? एक आवारा और बदमाश चोर को अपने शाह बनाना पसंद करेगी? आगे जा न मेरे दिमाग में गुल लगा और न मैं अपने होश खो चुकी, लेकिन मैं उस शख्स से शादी करना हरगिज़ पसंद न करूँ जिसका बार बार में दिमाग खराब हो जाए, जो सिर्फ के फकीर रहने के लिए खुदा के हजारों बेगुनाह बंदों का खून बहाने के लिए तैयार हो जाए। मैं ऐसे जालिम हुक्मरान के बदले शिमू को ज्यादा पसंद करती हूँ जो जवान है और खूबसूरत है। शहजादी की इज्जत शायद हमें ऐलान करने पर मजबूर कर देगी कि मोती वापस लाने वाले का इनाम है शहजादी गुलनार का हाथ। और उसके बाद? उसके बाद देखा जाएगा। हुकूमत सुल्तान आलम सिकंदर जा आला हजरत शहंशाह मुस्तफा की शाही फरमान के मुताबिक ऐलान किया जाता है कि जुमा की रात को मरियम सानी जुलेखाए जवानी मलकाए बहार शहजादी गुलनार अपनी सहेलियों और करीजों के साथ शाही बाग में रौनक अफरोज होंगी। उस वक्त महल और बाग के सारे पैरे उठा दिए जाएंगे, लिहाजा जिसके पास वो गुमशुदा मोती हो बेखौफ खतर शहजादी आलम के हजूर में पेश कर सकता है। इसके सिले में शरीयत के मुताबिक उसका निकाह शहजादी गुलनार से कर दिया जाएगा और उसे दोरो चौहार से माला माल करके शेरकंद का सबसे बड़ा अमीर बना दिया जाएगा। क्या हो रहा है? वजीर अबू कान से मोती हासिल करने के लिए इस लोहे के टुकड़े को जिंदगी दे रहा हूँ। क्या हम लोग अब खजाना लूटने नहीं चलेंगे? अबू कान से मोती मिलते ही खजाना लूटने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम समझते हो मोती वजीर अबू कान के पास है? यकीनन, मैं जानता हूँ वो मोती सिवाय अबू कान के और किसी के पास नहीं। चीकू भी तुम्हारे साथ चले? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं।
इस खंजर की नोक अपने गले पर देखते ही अब वो कान मोती मेरे हवाले कर देगा। और तुम तो शहजादी गुलाब को दोगे और शहजादी गुलाब अपने खून का तह दर से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देगी। शहजादी अपना वादा यकीनन पूरा करेगी। वो जानती है अगर मोती वापस ना किया गया तो शहजादा हैदर शेरकंद पर हमला कर देगा। उसे अपनी बेगुनाह रियाया की तबाही का पूरा एहसास है। चीकू इतना जानती है कि तुम जानबूझ कर मौत के मुंह में जा रहे हो, तुम उस खाई को नहीं देखते हो जिस पर फरेश के फूल दिखा दिए गए हैं। ये पहले बेच धोखा है। धोखा? शहजादी मुझसे धोखा क्यों करेगी? इसलिए कि एक शहजादी तुम जैसे चोर लुटेरे के साथ शादी नहीं कर सकती। कौन चोर कौन लुटेरा? जंगली औरत, अगर ये गुस्ताखी किसी और ने की होती तो मैं आपकी जबान खींच देता। अब्बास, जानती हो ये क्या है? ऐसा निशान चीकू ने शाही महल के दरवाजे पर देखा है। ये है शेरकंद का शाही निशान जो पैदा होते शहजादे के बाजू पर बना दिया जाता है। ये क्या कह रहे हो शिमू? अब्बा, चीकू से बता दो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारी कहानी क्या है, तुम्हारी मेहरबानी क्या है। मगर वो अगर मगर कुछ नहीं अब्बा, चीकू गैर नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इसे बताने में कोई हर्ज नहीं। एक अर्सा हुआ जबकि मैं मासूम शिमू को कत्ल करने के लिए तलब किया गया था ताकि इसका चचा मुस्तफा शाही तख्त का हमेशा के लिए मालिक बन जाए, लेकिन लेकिन रहमदिल यूसुफ ने अपने बच्चे की तरह मेरी परवरिश की। हाँ, वही हूँ शेरकंद का बलिया है शहजादा मुराद। चीकू शिमू के अकेले में कुछ कहना चाहती। भोली चीकू, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है उसे ख्वाब की तरह भूल जाओ। समझना कि मैंने कुछ कहा नहीं और तुमने कुछ सुना नहीं। कहो चीकू, क्या कहना चाहती है? वो मूर्ति चीकू के पास है। तुम्हारे पास? चीकू ने दुकान की जेब से मूर्ति चुरा लिया था। लेकिन तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? इसलिए कि तुम एक शहजादे हो और तुम्हारी शादी एक बदनसीब और अदना औरत के साथ नहीं होनी चाहिए। चीकू, जहाँ गिरे तुम्हें
मोती लेकर आ गए तो क्या होगा? मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है। क्योंकि वो छोर पर प्रसुरित होती है तभी। क्या तुमने शिमू को नहीं देखा? देखा तो है हजूर, मगर उसकी जगह मोती का चोर कोई और हुआ तो मैं नहीं कहीं खबरदार जो ऐसी बात शिमू से निकाली। मेरे साथ तुम भी दुआ कर, चोर शिमू के सिवा और कोई ना हो। मेरे दिल का चोर मोती का चोर। शहजादा बनने जा रहा है। मेरी 18 साल की मेहनतों का फल मिल रहा है। आपके एहसान नहीं भुलाए जा सकते अब्बा। अगर आप ना होते तो आज शिमू भी इस दुनिया में न होता। मैं कुछ भी बनूं अब्बा, आपके लिए हमेशा शिमू ही रहूंगा। आज तक तुम एक अच्छे बेटे रहे हो और अब एक अच्छे शहजादे बनोगे। जाओ, कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाओ। खुदा तुम्हारी हिफाजत है। सुना है हजूरे वाला, बल्कि मैंने ही ऐलान किया था। फिर तुम्हें मेरे बाद में आने की जरूरत कैसे हुई? बोलो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐलान के बावजूद मेरे बाद में सिपाही क्यों छिपाए गए और ये साजिश किसके इशारे से हुई? आली जा के कुकुर से। आली जा? आली जा को तुम कभी नहीं दे सकते। उन लोग के तख्त उतार की इज्जत का ख्याल हमारी वादी का पास। वो रियायत हर धोखा ही थी। ये धोखा नहीं किया था शहजादी साहिबा। मोहब्बत और जंग में दुनिया का हर फिर जायज समझा जाता है। लेकिन इंसाफ है। बादशाह का हुक्म ही इंसाफ है और आपको भी इस हुक्म का इहतराम करना चाहिए। छोकरी, बता दो मोती कहाँ है? टीपू के पास कोई मोती नहीं है। हाकान, इसे हवालात में ले जाओ। जब तक ये मोती का पता ना बताए, कोरों की मार से इसकी खैर उतार लो। हर सजा हर जुर्म को काम में लाओ। सिपाही ने पकड़ लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? अजीज दोस्त, प्यारे रिश्तेदार, तुम्हारे हुक्म पर तो जान तक देने को तैयार है। फिर आओ। कहाँ आओ? कहाँ जाओ? खाली पेट मौत के मुंह में जाना हमारे उस्ताद ने नहीं सिखाया है।
मैं तुम्हें 5,000 अशरफियां दूंगा। 5,000 अशरफियां? तब तो हमारे फरिश्ते भी तुम्हारा साथ देंगे। मेरे काम में देर किस बात की? बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटा मेरा सर बड़ा कीमती है, सिपाही तो इसे हराम में लेना चाहते थे मगर मैं मुफ्त में देने वाली असामी कहा। मैं भी तो कुछ हूँ अब्बा। अब हमें सिर्फ ताकत से नहीं अकल से भी काम लेना होगा। सिपाही तो उसकी मच्छियों की तरह पेशू मैं, वो तो हमें रोज रोज के खर्चियों का ढांचा बना देंगे। अबे रोता क्यों है? सुनो भाई अपना हिसाब में पास रखो, 5,000 से अपनी लाखों की जान हो तुम्हें कौन गवाएगा? नहीं आती वक्त नाजायज सादा खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10,000 अशरफियां दूंगा। दिल तो कहता है ना मगर हाथ कहता है हाँ। कसम खुदा की मैं लालची तो बिल्कुल नहीं हूँ। अरे भाई दोस्ती के लिए तो दुनिया में सभी कुछ करना पड़ता है। हम किसी तंग रास्ते से उन पर हमला करेंगे। Thank you.
सिपाही मान को मेरा खून मार के नहीं जान बचाने का। अरे यार सिपाही तो रोज ही आते हैं। अरे पहले जान फिर जाना। इसे मैं अपने आका अपने शहंशाह की खिदमत में पेश करूंगा। तुम इसे अपने आका अपने बादशाह को देना चाहते हो ना? हाँ हाँ। आका हमारे बादशाह, ये मोती तुम्हें मुबारक हो। गुमराह दोस्तों, यही है शेरकंद का सच्चा बादशाह, यही है तुम्हारा शहजादा मुराद। जिसे पागल लड़की, ये क्या कह रही हो? हमारा शहजादा मुराद तो 18 साल हुए कत्ल कर दिया गया था। वो कत्ल नहीं किया गया था। मगर इसका सबूत? इसका सबूत वो कातिल है जिसने बेटे की तरह शहजादे की परवरिश की, जो बाप बनकर आज तक इसकी कामयाबी और फतेह के लिए दुआएं मांगता रहा। कौन है वो? मैं, आपको यूसुफ, जिसने शेरखंड की अमानत को अपने खून से खींचकर परवान चढ़ाया। तुम्हारी शक्ल हमारे मरहूम बादशाह से मिलती जुलती तो है। मैंने अपनी जवानी के सुनहरे दिन तुम्हें की खिदमत में गुजारे थे, मगर तुम्हारे पास इसका और क्या सबूत है? सबूत? शायद मेरा बाजू उसकी गवाही दे सके। शही निशान? मगर ये निशान तो बनारसी भी हो सकता है। मैं तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली देखना चाहता हूं। क्यों? बचपन में शहजादा मेरी तलवार से एक दिन खेल रहा था कि खेलते खेलते उसका हाथ जख्मी हो गया। मैं उसी जख्म का निशान देखना चाहता हूं। जख्म का निशान? ये क्या? बेशक तुम वही हो, आंखों देखी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। आलम बना, वो नाम आपको कोलिश में डाला था। कसम है मुझे पाक परवरदिगार की और अपने ईमान की, हमारे मरहूम सुल्तान का जायद वारस और सही जानशीन यही शहजादा है। बहादुरों, जो तलवारें तुमने अपने आका के खिलाफ निकाली थी, उन्हें अफजाल मुस्तफा के मुकाबले में खड़ी कर दो। फतेह तुम्हारे कदम चूमेगी, खुदा और ईमान तुम्हारी हिफाजत करेगा। शहजादे मुराद। भाइयों और दोस्तों, ये नौजवान यूसुफ का बेटा शीमू नहीं,
बल्कि हमारे मरहूम बादशाह शायर सलाह का फर्जंद है, जो शेरगंज की संसद का सच्चा वारिस और अपने बाप से सही जानशीन मुस्तफा ने धोखे से शेरगंज की गुमत पर कब्जा कर रखा है। वो 20 साल से मुझको कौम से गद्दारी कर रहा है, आज हमें उसके जुर्मों से तुमका बदला लेना है। चलो कई महल पर हमला कर दो। सिपाही सिपाही घुस गया था सिपाही महावीर नदी चौधार ये सब कहां मर गए। शाबाश महावीर शाबाश, हम तुम्हारी कारगुजारी से बहुत खुश हुए। लेकिन तुम इन दोनों बदमाशों को यहाँ क्यों ले आए? इन्हें हवालात में ले जाओ, मैं कोड़ों की मार से इन दोनों की पीठ की खाल खींच लूंगा। ले चलो इन्हें। बहुत अच्छा है हुजूर। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। ए नमक हरामो मुझे नहीं, उस चोर को पकड़ो, उस चोर के बाप को पकड़ो। खबरदार, अगर हमारी बादशाह की शान में गुस्ताखी की तो तुम्हारी नापाक जबान तान से खींच ली जाएगी। हमारे बादशाह ये शहजादा मुराद, हमारे मरहूम बादशाह शाह अरसलान के फर्जंद। नमक हराम हो, तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। शाह अरसलान का फर्जंद 18 साल पहले मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। आपने मेरे हाथों उस मासूम को मार डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन खुदा ने उसे अपने फजल व करम से बचा लिया। क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? शेरगंज का ये शाही निशान, दराबाद शरीफ का भी है। गरीबों की हड्डियां चूसने वाले और रियाया का खून पीने वाले, मासूम शहजादे के गले पर खंजर चलाने वाले दगाबाज दलील और कमीने हम नहीं, आप हैं। रहम रहम बादशाह मुराद, मेरे फर्जंद, मैं अपने गलतियों की माफी चाहता हूँ। मैं अपने ऐलान के मुताबिक शहजादे गुलनार को तुम्हारी मलिका बनाऊंगा। शहजादे गुलनार को हाथ जाए। मेरे अजीब शहजादे, मेरे पसंदीदा शिमू। शहजादी गुलनार, मैंने तुमसे एक वादा किया था, यानी ये बेशकीमत मोती अगर मुझे मिल गया तो इसे तुम्हारी नजर करूंगा। और हुजूर अगर चाहें इसे मंगनी के तोहफा के तौर पर मुझे नजर कर सकते हैं। तुम्हारी मंगनी शहजादा हैदर के साथ हो चुकी है, अब तुम उसकी अमानत हो और मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहता। लेकिन हमारी मोहब्बत। मोहब्बत क्या चीज है? बहादुर वो है जो मुल्क और कौम की भलाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमें शेरगंज की सलामती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी, और मुझे यकीन है कि तुम भी जिस रियाया को आज तक अपनी रियाया समझती रही उसकी सलामती के लिए अपनी तमाम आरजुओं को कुर्बान करके शहजादा हैदर के खाना मंजूर कर लोगी। आनी चाहता हूँ तुम सर आंखों पर, मगर आप मुझे तमाम दुनिया का काम देकर रुखसत करना चाहते। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है वही तो अपने लिए भी रख लिया है शहजादी। आंसुओं को सब कर लो गुलनार, कहीं तुम्हारी भीगी हुई पलकें देखकर मुझसे सब्र का दाम ना छूट जाए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझसे रुखसत होकर इस तरह जाओ जिस तरह बहन भाई से विदा होकर अपने शौहर के घर जाती है। शहजादी गुलनार को शाहाना शाहाना शौकत के साथ ले जाओ, और शहजादा हैदर की अमानत शहजादा हैदर के हवाले कर देना। और आली जा, अब मैं अपनी तमाम रियाया के सामने अपना कातिल समझते हुए भी जी को माफ करता हूँ। रियाया का गुस्सा कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए इसे दरखास्त करता हूँ कि आप इस मुल्क से हमेशा के लिए चले जाए। फर्जंद, जान बख्शी के एहसान ने इस गुनाहगार को नदामत के आंसे में डुबो दिया। Thank you.
दरबार बुलंद हो, हुजूर पर खुदा के रहमतों का साया हो, हुजूर को खुदा निहाल कर दे, दुश्मन को पामाल कर दे और मुझे माला माल कर दे। हुजूर की खुशी के मौके पर हम दोनों गरीब कुछ मांगना चाहते हैं। इजाजत है, मांगो, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ही मांगना। एक छोटी सी नौकरी चाहिए हुजूर, खजाने के मुहाफिज की। बजाने के मुहाफिज की जगह तो मैंने यूसुफ के लिए सोची थी। यूसुफ तो अब बूढ़ा हो गया है अली जान, बूढ़ा मेरा बाप। और यूसुफ का मुहाफिज कौन होगा अली जान? मैं और चीकू, अगर हम दोनों भी तो चोर है। चीकू, चीकू, शहजादा मुराद का हुक्म कि आपको शाही हमाम में नहला धुलाकर उनकी पोशाक पहनाकर देवर से सजाकर आला हजरत की शादी में से किया जाए। आज मैं तेरी शादी को, तू को किसी की शादी पे हमें नहीं जाएगी, तू को अपने वतन जा रही है, तू को किसी के बाप की नौकर नहीं है। तो फिर हम गुस्ताखी और बेअदबी की माफी चाहते हैं। अरे वो बादशाह, ओ चोर, ओ उठके, तू चीकू को मना कर जाने की इजाजत क्यों नहीं देता? आज शहजादी की शादी है। तू नहीं देखा दादी, तुम गुलाब से शादी कर रहे हो, चीकू तेरे नहीं देखा जाएगा। अरे पगली, शहजादी गुलनार और उसका बाप तो शेरकंद से रुखसत कर दिए गए हैं। तो फिर तुम शादी किससे कर रहे हैं? दुनिया की सबसे खूबसूरत गुल बदन, गुंचे दहन, सर्व चमन, सीन तन, शहजादी चीकू से। चीकू से? हाँ। आलम पना। हाजिर साहब और गवाह हाजिर हैं, निकाह की इजाजत हो। बिस्मिल्लाह। मेरा हाथ। अरे अब तो चोरी से बात आ जा, तू मलिका मैं बादशाह, अब तुझे किस बात की कमी है? मेरे सरकार, मैं जिंदगी में आज पहली बार सच बोले ही हूँ, मैंने हार नहीं चुराया। तो फिर किसने चुराया? आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। आओ बैठो 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 बैठो। गरीबों की महफिल से आया था बुड्ढा, जवान हो गया है यहाँ बैठे बैठे। बुड्ढा तो आया था। ये दुनिया अकेले में, मगर हम अकेले, तमन्ना है कोई।